अगर आपको याद हो तो मैंने आपको टैक्टो में बताया था, उम्मीद है याद होगा, है ना, रेंज ऑफ y इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, याद आया आपको, मैंने आपको ये बताया था। और मैं आपको ये भी जरूर बता के गया हूंगा कि इसकी रेंज है ना, बिल्कुल इसकी रेंज ठीक है माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक होती है, ये मैं आपको बता के गया हूं। मैं अब आपको इसका लॉजिक समझाता हूं, लॉजिक क्या है ठीक है, माने इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ ये है कि जिस y को आप log a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा मानते हैं उसके साथ ये चीज अवश्य याद रखें कि हमेशा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करें, इसका सही फॉर्मेट पता करने के लिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको यह दिख जाएगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा प्लस b अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस थीटा, राइट है। और बाहर की तरफ आपको दिख जाएगा अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ डू वन थिंग, थोड़ी सी देर के लिए a को है ना, बहुत ध्यान से समझना, इस चीज को आप एक बार के लिए साइन फाई मान लो। अगर आपने a अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को साइन फाई मान लिया, राइट है, तो आपको पता होगा ये ऑटोमेटिकली p बाई h हो गया, p बाई h होते ट्रायंगल बीच में आ गया। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बोले तो a, h की वैल्यू चमक जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऑटोमेटिकली b हो जाएगा। तो आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी, मैं ये कह सकता हूं hence cos phi is equal to कितना, cos phi is equal to b upon under the root of a square plus b square, माने अगर मैं इसको मानता हूं sin phi तो ऑटोमेटिकली ये वाला बन जाता है cos phi, बन जाता कि नहीं बन जाता। अब उल्टा भी देखें, ऐसा नहीं लेकर के ऐसा भी करते, मान लो अगर आप ऐसा भी करते, क्या करते हैं कि लेट साइन थीटा के साथ वाले को आप कॉस फाई मानते, मान लीजिए आपने a अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को कॉस फाई माना होता तो कॉस फाई इज इक्वल टू b बाई h होता है। ट्रायंगल के दौरान ये अगर फाई है तो फाई के साथ वाला ये वाला बेस, बेस की वैल्यू हो गई a, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली ये हो गई बेग। अब मैं अगर आपसे पूछूं बताइए साइन फाई कितना होएगा, तो साइन फाई इज इक्वल टू b बाई h इज इक्वल टू b अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माने आपने किसी को भी साइन फाई माना होता चाहे इसको या इसको, ऑटोमेटिकली दूसरा फिट बैठ जाता। इसका मतलब ये कि मैं अगर इसे मैंने क्या माना है cos phi, तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं, ये लिखा है sin theta into cos phi, लिख दो प्लस इधर की तरफ इसको cos theta into sin phi, क्योंकि मैं प्रूव कर चुका हूं है ना भाई। और बाहर की तरफ ऑलरेडी किसकी मल्टीप्लाई चल रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब ये रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को अगर मैं आगे कर दूं तो ये जो भी लिखा है ये साइन थीटा प्लस फाई लिखा है, हाँ या ना, अगर ये साइन थीटा प्लस फाई लिखा है तो ये भी y है। और मैं अच्छे से जानता हूं कि रेंज के दौरान अगर आपको याद हो तो साइन थीटा की रेंज कहां से कहां में होती है, माइनस वन से वन में, और अगर कल को मैं टू साइन थीटा कर दो तो ये रेंज माइनस टू से टू में हो जाएगी। तो आप एक और बात बताइए, कल को अगर मैं टू साइन थीटा प्लस फाइव कर दूं तो भी रेंज अंदर चेंज तो बाहर नो चेंज, तो भी रेंज कहां से कहां तक रहेगी, माइनस टू से टू तक, याद आया। तो सोचिए इसके रेंज माइनस वन से वन और बाहर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपनी रेंज हो गई कहां से कहां तक, रेंज हो गई कहां से कहां तक, माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। आपको बात समझ में आई, हाँ बिल्कुल, बहुत ही सिंपल सी एक घटना है। अब जरा इसके फायदे देखें, मान लीजिए किसी ने मेरे से कहा कि बताइए रेंज ऑफ y इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा प्लस फोर कॉस थीटा, किसी ने अगर मुझसे इसकी रेंज मांगी तो मैं समझता हूं a की वैल्यू b की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू थ्री b इज इक्वल टू फोर, तो रेंज होती है हमारी कहां से कहां तक,
रेंज होती है माइनस रूट ओवर, माने तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर से लेकर के रूट ओवर तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर, इसका मतलब कहां से कहां तक, माइनस फाइव टू फाइव। मान लीजिए कल को क्वेश्चन में पूछने वाले ने कहा होता कि हमें तो रेंज में वाई इज इक्वल टू थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स के साथ में है ना प्लस फाइव भी कराना है, तो हमें पता है इतनी दूर तक रेंज हमने निकाली है, कहां से कहां तक निकाली है, माइनस फाइव से फाइव, ये निकाल चुका हूं मैं अभी अभी है ना, और पीछे प्लस कितना करना है पांच, प्लस का पांच किसके साथ प्लस करूं, इसके या इसके, दोनों के साथ, तो जैसे ही मैं दोनों के साथ प्लस करूंगा तो माइनस पांच प्लस पांच और इधर पांच प्लस पांच यही होगा, तो ये बन जाएगा जीरो और ये बन जाएगा टेन, इसका मतलब बाहर कोई कॉन्स्टेंट हो तो इतनी दूर तक रेंज निकाल करके दोनों के साथ ऐड कर दें, कहानी में यहां तक में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिमेंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये गलती से भी गलत ना समझें, रिमेंबर इन रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, थीटा इज सेम फॉर बोथ, दोनों में जो एंगल है वो कितना है थीटा, ये है। अगर कल को ये ए साइन थीटा, इफ इट इज वाई इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस टू थीटा, देन फार्मूला विल नॉट वर्क, बात समझ में आई, तो फार्मूला काम नहीं करेगा, बहुत सिंपल और बहुत ही काम की बात, ठीक है ना भाई। हाँ, ये तभी तक काम करेगा जब तक दोनों में थीटा है, राइट है, लेकिन इसका भी कुछ जगह तोड़ भी है, जैसे मान लीजिए कल को कोई क्वेश्चन में, ठीक है, इससे पहले कि अपन आगे चलें किसी क्वेश्चन की बात भी कर लेते हैं, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दे दिया कितना y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाय थ्री, ठीक है, प्लस में थ्री कॉस एक्स माइनस पाई बाय थ्री, राइट है भाई। अब जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या ये दोनों के अंदर, बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना, क्या ये दोनों में एंगल सेम है, नहीं है, दिख रहा है ना, एंगल इज डिफरेंट, एंगल इज डिफरेंट, कह दो अगर देखा था इसमें और इसमें एंगल अलग अलग है, हैंस फार्मूला विल नॉट वर्क, लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो आपको पता चलेगा साइन एक्स, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद आएगा, तो साइन एक्स कॉस पाई बाय थ्री, कॉस पाई बाय थ्री माने कॉस 60 माने 1/2 प्लस फिर अगला कॉस एक्स इंटो साइन पाई बाय थ्री, साइन पाई बाय थ्री बोले तो रूट 3/2 लिख दो, इसे खोल दिया, प्लस तीन की जगह तीन कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस एक्स कॉस पाई बाय थ्री 1/2 प्लस साइन एक्स इंटो रूट 3/2 कर दो, कितने लोगों को दिखता है कितने साइन एक्स हैं, एक इधर और एक, दोनों में साइन एक्स ही है, साइन एक्स कॉमन ले लो, आप बताओ साइन एक्स कॉमन लेते इधर 1/2 और उधर से कितना कॉमन आ जाएगा रूट 3/2 प्लस कॉस एक्स भी दो हैं, कॉमन लेते कितना बचेगा बोलो जल्दी से, रूट 3/2 प्लस इधर 1/2 या 3/2, 3/2 तो इधर भी बिल्कुल 3√3/2 तो इधर कितना हो गया 3/2, क्या कहते हो, इसे ऐसे लिखूं या साइन एक्स को पीछे लिखूं, एक ही बात है, अरे ए डॉट बी या बी डॉट ए एक ही बात है ना, तो वैसे ही इस कॉस एक्स को यहां लिखो, या तो साइन एक्स पीछे लिख देता हूं प्लस इसके पीछे कॉस एक्स लिख दो चलेगा, चलते ही अब सोचो ये साइन एक्स, साइन के अंदर का एंगल कितना, इधर का एंगल कितना, क्या आर्ग्यूमेंट सेम हुआ या नहीं हुआ, दोनों का एंगल सेम हो गया, फार्मूला काम करेगा, जल्दी से आप बताओ एक कितना, तो ये पूरा बन गया ए, बन गया ये पूरा बन गया बी, तो अपने को पता है हमारी रेंज कहां से कहां तक निकल जाएगी, रेंज निकल जाएगी माइनस रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूं थ्री रूट थ्री प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इधर से देखा जाए तो 3 प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, और यही चीज दोबारा लिख दो से ले गए यहां तक, कर लेंगे बात समझ में आई आपको फटाफट। अगला पॉइंट रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 17 प्लस 5 साइन x
प्लस 12 cos x अपॉन नीचे 17 माइनस 5 sin x माइनस 12 cos x राइट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ भाई करो, जरा देखिएगा थोड़ी सी देर के लिए, एक मिनट पहले इसको मैं कर देता हूं, अगला वाला आप ट्राई कर लेना। अगर मैं आपको बताऊं जो y दे रखा है उसको अगर आप गौर से देखें तो 17 प्लस 5 sin x प्लस 12 cos x दे रखा है। मैं एक ब्रैकेट क्रिएट कर रहा हूं जानबूझ करके, 17 माइनस 5 sin x प्लस 12 cos x दे रखा है ना, ये y दिया है। अगर ये y दिया तो दिमाग से थोड़ी सी देर के लिए इस पूरे क्वेश्चन को निकालो और एक बार के लिए इसे p मान लेता हूं। अगर मैंने इसे p मान लिया तो p इज इक्वल टू दे रखा है 5 sin x प्लस 12 cos x राइट है भाई। अब मैं आपके सामने, अगर इसे p कहते हो तो मैं इसका p का मैक्सिमम पूछता हूं। किसी को पता है p का मैक्सिमम और p का मिनिमम? याद है इसकी रेंज कहां से कहां तक? अंडरूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस से लेकर के अंडरूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, हाँ या ना? तो अपने को पता है रेंज निकल जाएगी माइनस 13 टू 13। तो बताइए मैक्सिमम कितना? 13। मिनिमम कितना? माइनस 13। अब इस तरफ आ जाइए, मान लीजिए मुझे y का मैक्सिमम निकालना है तो y के मैक्सिमम में 17 का कोई रोल नहीं है, जो भी ऊंचा नीचा कर सकते हैं ये दोनों कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन ये जो p लिखा है और ये जो नीचे p लिखा है ठीक है उसमें समझना, मेरे को आंसर मैक्सिमम चाहिए तो ऊपर वाला मैक्सिमम हो और नीचे वाला मिनिमम हो। दोबारा सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, जिस दिन ये मिनिमम होगा आप नेगेटिव कम से कम घटाओगे। अरे जितना ये कम होगा उतना कम घटाओगे, जितना कम आप घटाओगे उतना ज्यादा बचेगा, और जितना ज्यादा बचेगा उतना ज्यादा बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, और जितनी बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे उतना छोटा आंसर आएगा। तो आपका आंसर मैक्सिमम की जगह मिनिमम आ जाएगा। नहीं आई, दोबारा से गिनती गिनना, जितना नेगेटिव कम से कम होगा उतना 17 में से कम घटेगा, जितना 17 में से कम घटेगा उतना ज्यादा बचेगा, जितना ज्यादा बचेगा उतना ज्यादा से डिवाइड होएगा, और जितना ज्यादा से डिवाइड होगा उतना कम आंसर आएगा। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब नेगेटिव में ये वाली पार्टी मिनिमम नहीं चलेगी, क्योंकि अगर ये कम हुआ तो ज्यादा बचेगा, ज्यादा बचेगा ज्यादा डिवाइड होगा कम आएगा, हमें तो ज्यादा आना चाहिए। तो ज्यादा आने के लिए बेस्ट थिंग इज मैक्सिमम, ऊपर वाला तो टॉप जाए तो जाए, क्योंकि अगर वही कम हो गया तो वैसे ही मर जाएंगे, ऊपर वाला तो टॉप। अब ये जितना ज्यादा ज्यादा होगा उतना ज्यादा ज्यादा घटेगा, जितना ज्यादा घटेगा उतना कम बचेगा, उतना कम बचेगा ना 17 में से घटने के बाद, जितना कम बचेगा उतना कम से डिवाइड होगा, और जितने कम से डिवाइड होगा उतना ज्यादा ज्यादा आंसर आएगा। कहानी पकड़ में आ रही है? तो आपको ये दोनों कैसे चाहिए? मैक्सिमम, और आपको पता है आपका मैक्सिमम 13 है, याद है 13, तो 17 प्लस 13 अपॉन 17 माइनस 13। क्या मेरी कहानी पकड़ पाए? अब हमारे को अगर बाय द वे वाई का मिनिमम चाहिए तो 17 प्लस पे 17 माइनस पे, आओ सोचें मिनिमम चाहिए, ऊपर वाला तो कम कर दो पहले से ही, क्योंकि कम होगा तो कम में भाग जाएगा, कम में हमें तो कम लाना है, टारगेट ही कम है, लेकिन नीचे वाले को मैक्सिमम या मिनिमम? एक बार मिनिमम पे सोचते हैं तुक्का मारने के बजाय, मान लीजिए मिनिमम रखा 17 में से कम घटेगा ज्यादा बचेगा, ज्यादा बचेगा ज्यादा का डिवाइड होगा, ज्यादा का डिवाइड होगा कम आंसर आएगा, और हमें तो कम ही चाहिए, तो दोनों मिनिमम। कहानी पकड़ में आ गई? तो ये होगा 17 प्लस 13 अपॉन 17 माइनस 13, क्या कर लेंगे? माइनस 13, सॉरी कर लोगे? कहानी पकड़ में आ गई ना? थोड़ी अलग स्टोरी है। हाँ भाई, तो सबट्रैक्शन हाँ, और क्या, सिंपल।
हाँ भाई, अब आप ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है इसके आधार पे अगला क्वेश्चन सोचेंगे. रेंज ऑफ y इक्वल टू लॉग बेस टू, क्वेश्चन में दे रखा है 3 sin x - 4 cos x + 15 / 10. सोचिए. हाँ भाई, सबसे पहला काम p मान लो क्या किसी को था कि मैं सोच लो, है ना भाई. मैंने अपनी तरह से p इज इक्वल टू मान लिया 3 sin x - 4 cos x. मान लो अगर मैं मानता हूं इसका यूज ही बंद हो गया बेचारे का, है ना. आ रही है ना आवाज? हाँ साहब. जैसे इसकी मुझे इधर उधर हुई ना, इसे अच्छा लगा. हाँ भाई, p इज इक्वल टू मैं 3 sin x - 4 cos x. तो उम्मीद है आपको पता होगा. अब ये फालतू की बात अपन क्यों कर रहे हैं. पे मैक्सिमम इज इक्वल टू 5, पे मिनिमम इज इक्वल टू -5. खत्म बात. a² + b² सबको आता है. हाँ भाई, वाई इज इक्वल टू में हमें पता है, हमसे मांगा जा रहा है 3 sin x. इसको मैंने p कह दू p प्लस 15 / 10, राइट है भाई. अगर मुझसे मांगा जा रहा है वाई का मैक्सिमम, तो मुझे पता है मैक्सिमम तभी आएगा जब 15 में ज्यादा से ज्यादा जुड़ेगा. हाँ है ना, तो मुझे सीधा p मैक्सिमम सोचना चाहिए और डिवाइड बाय 10 तो कुछ कर नहीं सकता. लॉग बेस 2, ठीक है, 15 प्लस p मैक्सिमम की वैल्यू 5 डिवाइड बाय 10, क्या कहते हो आप, तो बन गया लॉग 2 बेस 2 बोले तो 1, राइट है भाई. अगर भाई दवे मुझसे किसी ने मिनिमम मांगा होता तो मेरे को पता है लॉग बेस 2, मुझे तो p की जगह कम से कम जोड़ना है. जितना कम जोड़ूंगा उतना कम आंसर आएगा. तो मैं लिख देता हूं p मिनिमम प्लस 15 डिवाइड बाय 10, राइट है. और मिनिमम की वैल्यू कितनी है भाई, मिनिमम की वैल्यू -5 प्लस 15 डिवाइड बाय 10 और लॉग 10/10. लॉग 2 10/10, 10/10 बोले तो 1 और लॉग 1 0, याद आया. तो आंसर है 0. तो रेंज क्या निकले, रेंज निकले 0 to 1. कहानी पकड़ में आ गई, 0 to 1, एज सिंपल एज दैट. अगली कहानी पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट सोचेंगे, ठीक है. हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस. मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू 2 + sin x एंड gx इज इक्वल टू cos x. gx इज इक्वल टू cos x, राइट है. अब जरा आपको कहानी की भावना समझा देता हूं. ये वर्टिकल डिस्टेंस कहां से घुस गई, जब ग्राफ बनाओगे तब पता चलेगा. ग्राफ के टाइम पे इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि साइन एक्स का ग्राफ आपको याद होगा. साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, याद आया आपको. साइन एक्स का ग्राफ इज क्वाइट लाइक दिस, ऐसा होगा. ये साइन एक्स का ग्राफ है. अगर ये साइन एक्स का ग्राफ है तो क्वेश्चन वाला हमसे कह रहे हैं 2 + sin x, इसे साइन एक्स प्लस 2 पढ़े. क्या पढ़ेंगे, साइन एक्स प्लस 2. प्लस 2 करना माने हर चीज दो ऊपर, हर चीज दो ऊपर माने जो जीरो पे खड़ा है वो भी दो ऊपर. तो दो ऊपर पहुंच जाएगा तो वो यहां पहुंच जाएगा. अच्छा, जो चीज वन पे खड़ी है वो भी दो ऊपर, तो जो वन पे खड़ा है वो 2 + होकर कितना बन जाएगा, 3 पहुंच जाएगा. वेरी गुड. तो कहने का मतलब ये कि वापस ये जीरो पे आया, तो इसका मतलब ये कि पुनः वापस जीरो पे आ जाएगा. अरे नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, जो जीरो पे खड़ा है वो 2 ऊपर होकर के 2 पहुंच जाएगा. अच्छा, जो -1 पे खड़ा होगा वो 1 पे आ जाएगा, आ जाएगा. फिर वापस 0 पे जाएगा, फिर वापस 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, और ये चलता रहेगा. इसका मतलब ग्राफ बिल्कुल ऐसा कैसा चलेगा, राइट है कि नहीं. हर चीज बिल्कुल एज इट इज. कहानी पकड़ में आ गई आपको. हर चीज बिल्कुल एज इट इज चलेगी, माने वही चीज, हर चीज 2 ऊपर होगी. अगर हर चीज 2 ऊपर होगी तो उधर से भी हर चीज 2 ऊपर चलेगा, राइट है भाई. तो कहने का मतलब जो ग्राफ बनेगा वो काफी हद तक ऐसा ही बनेगा.
ये आपका किसका ग्राफ बनाया, 2 प्लस साइन एक्स का या साइन एक्स प्लस 2 का, माने आपने पूरे ग्राफ की डंडी ऊंची कर दी एक तरह से। ये ऐसे हो गया कि ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन, ये वाली लाइन, समझ रहे हैं, ये वाई इजिकल टू 2 हो गई, ये वाई इजिकल टू 0 थी। आपको कहानी पकड़ में आई? कहने का मतलब आपने ये लाइन ऊपर कर दी, जैसे आपने ऊपर करी ये ग्राफ अब तक y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ था, नाउ इट इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2, दिस पॉइंट इज 3, राइट एट दिस पॉइंट इज 1, सही है ना भाई। अब नाउ कम टू द पॉइंट, ये हुआ किसका ग्राफ, साइन एक्स प्लस 2। अब दूसरा ग्राफ भी यही बनाता हूं, किसका बनाना है, y इक्वल टू cos x। अगर मैं y इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाना जानता हूं तो आई नो इट कि आप में से हर एक जने को आइडिया है कि कॉसेस का ग्राफ विल बी लाइक दिस। याद आया आपको, है ना? है ना भाई, कॉसेस का ग्राफ विल बी लाइक दिस, है ना। मैं थोड़ा सा जानबूझ के थोड़ा ज्यादा प्यूरिफाई हो रहा हूं ताकि इसमें गड़बड़ नहीं हो जाए, अगर गड़बड़ हो गया ना तो कहानी बिल्कुल उल्टी दिखने लग जाएगी, है ना भाई। ये वाला ग्राफ जो पिंक कलर से बनाया है, दैट ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ cos x, राइट है भाई। इसे भी लिख दो y इक्वल टू cos x। अब एक बात बताइए, मेरे को मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, माने कम से कम दूरी, जरा बताइए, ये जगह है 3 है और इसी के सीध में ये जगह पे मैं आऊं, ये डिस्टेंस देख लिया आपने? अच्छा, आप जरा ये डिस्टेंस देखें, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखिए आपने, अब जल्दी, अरे वन है ना, ये वाले पॉइंट बनना, तो अपने गलती होगी ना, देखो आप ऐसे कितने लोगों को समझ में आया गलती क्या हुई, समझ में आ गया? हाँ, ये थोड़ा और इसका ये जो कुबड़ है ना थोड़ा और ऊंचा होना चाहिए था, क्या कहते हो आप, समझ में आया आपको? ये कुबड़ थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा दूं तो उम्मीद है आप में से हर एक जना जो है वो थोड़ा बहुत समझ जाएगा कि ये कहां तक पहुंचेगा, यहां तक, राइट है, ये यहां तक और ये यहां तक और ये यहां से यहां तक वगैरह वगैरह, क्या कहते हो आप, जरा सोच के जवाब देना। हालांकि ये ना ग्राफ की मिस्टेक कोई बहुत मेजर मिस्टेक नहीं थी, बट अब जरा अच्छे समझ में आएगा, क्या कहते हो, ये जगह और ये जगह सेम वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पे सोचना है, ये दोनों के बीच की दूरी ये है, दिख रही है आपको, ये है वट एवर इट इज, ठीक है, ये जगह और बिल्कुल उसी वर्टिकल लाइन पे सीध में ये दूरी दिख रही है आपको, ये दूरी। अच्छा, अब जरा इस वर्टिकल लाइन के बारे में सोचे आप, ये जगह और ये जगह दूरी दिख रही है आपको, ये दूरी, हाँ या ना, आपके सामने ये दूरी दिखा दी, ये दूरी दिखा दी, ये वाली दूरी दिखा दी। नाउ कम टू दिस पॉइंट, फिर से ये दूरी देखिए आपने, हाँ या ना, अगली जगह फिर से ये दूरी देखो, देख रहे हैं आपको, तो आपको क्या लग रहा है, ये दूरियां देख रहे हैं, ये वर्टिकल डिस्टेंस के लाते मिनिमम कब हो रही है, इस पे हो रही है कि नहीं हो रही है, और रिपीटेडली हो रही है, लेकिन हम या तो ग्राफ बना करके डिसाइड करें और आइदर वी कैन डिसाइड इट बाय, है ना, सॉल्विंग माई बाय मेथड, थ्योरेटिकल मेथड, कर सकते कि नहीं कर सकते। अब ये तो ग्राफिकली समझ में आ गया, है ना भाई। अब नाउ कम टू द पॉइंट, अपन इसको अगर सॉल्व करते तो कैसे करते, ठीक है, सॉल्व करने के टाइम पे मुझे पता है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इसका मतलब ये कि मैं लिखता हूं, पहली बात मैं बोलता हूं, मेरे को डिस्टेंस अगर निकालनी है तो मैं दोनों ग्राफ के बीच का डिफरेंस निकाल लेता हूं। मॉड क्यों लगाया सर, कल को ये प्लस वो माइनस या वो प्लस ये माइनस, मुझे क्या पता किसमें से कौन घट रहा है, मैंने जब तक ग्राफ ही नहीं बनाया मुझे क्या पता 2 प्लस sin x ऊपर है कि cos x ऊपर है, मुझे क्या पता, मैं तो ग्राफ जानता ही नहीं ना, नहीं तो जानता होता तो मैं ग्राफ से कर लेता, मैं थ्योरेटिकल पे आया क्यों, मैं तो ग्राफ जानता ही नहीं, है ना, तो मुझे नहीं पता किसमें से किसको घटाना है, तो व्हाट आई विल डू, मैं तो मॉड लेके सेफ साइड होऊंगा, 2 प्लस sin x माइनस cos x, क्या कहते हो आप, कर दो, क्या ख्याल है? Yes, अब जरा सोच के जवाब देना, क्या आप में से किसी को पे दिखा क्या? Yes, पे दिख गया क्या? Yes, अब मैं आपसे पूछता हूं, पे इज इक्वल टू दिख रहा होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बोलो जल्दी से, ए की वैल्यू 1, अरे बी की वैल्यू, तो जल्दी से बता दो, पे मैक्सिमम, हाँ, रूट टू, और पे मिनिमम कितना, माइनस रूट टू, क्या ख्याल है? अब देखो दोबारा से खोपड़ी लड़ाएंगा, रेडी, देखें कितने लोगों का आंसर आया, 2 प्लस रूट टू और 2 माइनस रूट टू, क्या कहते हो आप? Yes, sir. तो आंसर हमारा 1 नहीं आया,
ओ माय गॉडनेस, कोई अप्रॉक्स नहीं, एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। नहीं, ग्राफ में कोई गलती नहीं, सोच में गलती थी कहीं। जब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे ना, देन यू विल कम टू नो कि ये जो पॉइंट है ना, इससे भी कम दूरी पे कुछ पॉइंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। वर्टिकल में होंगे, यूं ही होंगे, लेकिन कहां होंगे वो सोचने की बात है। किधर होंगे? यहां। क्या कहते हो आप? अब आपको दिखा ये ज्यादा करीब है, समझ में आया? तो आंसर इज 2 - √2। आप में से कितने लोगों को पता है 2 - √2 का मतलब? ये तो मिनिमम हुआ ना, 2 - √2 का मतलब एक से भी छोटा। तो आंसर 1 नहीं आया, 0.6 के आसपास, बिल्कुल एग्जैक्टली। कहानी पकड़ में आई ना? हाँ। अब आप ग्राफ को क्लिक कर पाए कि हाँ यार और भी कम था, अपन तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। आई कहानी पकड़ में? ये इसीलिए आपको थ्योरेटिकल मेथड कराया जाता है। कई बार आपको ग्राफ धोखा देते, थ्योरी कभी धोखा नहीं देती। कहानी पकड़ में आ गई? कॉपी 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 कॉपी। पॉइंट नंबर तृतीय, ठीक है, ये तो मैंने आपको सिखाया अगर आर्ग्यूमेंट में लफड़ा हो तो क्या करना है। ठीक है, अब अपन और आगे चलते हैं, अब अपन और आगे चलते हैं, है ना भाई। टाइप थ्री, व्हेन आर्ग्यूमेंट इज डिफरेंट इन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अगर ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा में थीटा अलग अलग हो तो क्या करें? क्योंकि मैंने वहां मना कर दिया था तो फार्मूला यूज ना करें। फिर क्वेश्चन उठता है बच्चे के दिमाग में, देन व्हाट टू डू, क्योंकि ऐसा तो सोच सकता है कोई भी, राइट है? तो याद रखना, मेथड इज मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन, मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ट्रिगो फंक्शन। पहला स्टेप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए ट्रिगो फंक्शन में, एंड सेकेंड मेक होल स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होल स्क्वायर बनाए। थर्ड पॉइंट इज यूज क्रिटिकल पॉइंट्स टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। राइट है भाई? फटाफट 3 पॉइंट लिख लें, आगे चलेंगे। सपोज किसी ने कहा रेंज ऑफ y इक्वल टू cos 2x प्लस 3 sin x। बहुत ध्यान से देखेगा, देखा आपने क्वेश्चन एक मिनट रुक करके, cos 2x और 3 sin x, क्या आपको लगता है ये x है और ये 2x? क्या कहते हो आप? आर्ग्यूमेंट इसी को कहते हैं ना, आर्ग्यूमेंट इज डिफरेंट। कह दो आर्ग्यूमेंट दोनों का अलग अलग है। मैंने आपको बताया ऐसे केसेस में सबसे पहले किसी भी ट्रिगो फंक्शन में क्वाड्रेटिक बनाए। कैसे बनाएंगे? फार्मूले का पता होने में। y इज इक्वल टू में cos 2x को बच्चा बच्चा जानता है 1 - 2 sin स्क्वायर x लिख सकता हूं। अच्छा, अगर मैंने लिख दिया तो प्लस का 3 sin x कर दो, सही है। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा माइनस का 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x माइनस 1, राइट है? होल स्क्वायर बनाने के लिए ये बन गई क्वाड्रेटिक, बने कि नहीं बने? स्टेप वन पूरा, यहां तक मैंने पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया, क्वाड्रेटिक दिखा दी। अगला लिखा है होल स्क्वायर बनाओ। होल स्क्वायर बनाने के लिए स्टेप टू सुनना, सबसे पहले स्क्वायर के साथ वाला कोफिशियंट जिसे आप लीडिंग कोफिशियंट कहते हैं उसे वन करो, ठीक है? तो दैट इज मेक लीडिंग कोफिशियंट
इज इक्वल टू वन. इसके लिए क्या करोगे आप, इसके टू को बाहर खींच लो, माइनस टू बार, अंदर ही अंदर आपको दिखने लग जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री बाई टू साइन एक्स माइनस वन बाई टू. क्या कहते हो आप? बन गया. अब दूसरा काम, ये तो हुआ पहला स्टेप. सेकेंड स्टेप क्या करो, नजर रखो स्क्वायर के साथ में जो लीनियर है उस पर. अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो एक्स है उस पर नजर रखो, ठीक है ना. मेक कॉफिशियंट ऑफ, मेक कॉफिशियंट ऑफ, ठीक है ना, साइन एक्स हाफ, जो भी साइन एक्स का कॉफिशियंट है उसे हाफ कर दो, ठीक है. अब साइन एक्स का कॉफिशियंट कितना पढ़ने मारा आपको, साइन एक्स का कॉफिशियंट मैं जानता हूं, देखो साइन एक्स का कॉफिशियंट माइनस थ्री बाई टू, उसका आधा कितना होगा, माइनस थ्री बाई टू माने माइनस थ्री बाई फोर. क्या बात समझ में आ रही है? सही है. अब देखो आपने आधा किया, आधा करते ही अगली लाइन में लिखना है माइनस टू बार है, तुरंत लिख दो कि होल स्क्वायर बन गया बन गया बन गया. साइन एक्स ध्यान से देखना, साइन एक्स की बात चल रही है इसलिए साइन एक्स, और कोफिशियंट कितना है माइनस थ्री बाई फोर, तो लिख दो साइन एक्स माइनस थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर, और एक अपनी तरफ से माइनस थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर घटा दो. बस इसके कोफिशियंट का आधा यहां लिखा माइनस थ्री बाई फोर, साइन एक्स माइनस थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर बनाया, और माइनस फिर माइनस थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर वापिस चिपका दिया, और ये माइनस वन बाई टू पीछे लगा दो, राइट है. अब ये होल स्क्वायर बन चुका है लगभग. देखो कैसे, आपके सामने लिखा मैंने साइन एक्स माइनस थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर, बच्चा बच्चा जानता है ये नाइन बाई सिक्सटीन है ये, अच्छा ये भी माइनस का और माइनस का वन बाई टू है पीछे लिखा हुआ, तो आपको पता होगा माइनस कॉमन आ गया प्लस, राइट है. अब एलसीएम के जानकार बच्चे जानते हैं 16 एलसीएम, ऊपर 9 और नीचे 8, पक्का. तो 9 और 8 मिलकर के माइनस का 17 बाई 16, तो इसे लिख दिया माइनस का 17 बटा 16. अब ये स्टेप टू कंप्लीट हो गया, होल स्क्वायर कंप्लीट है. अब आया तीसरा स्टेप, यहां तक मैं लिख देता हूं स्टेप टू कंप्लीट, दिखा. अब आगे की बात सुने, स्टेप टू के बाद स्टेप थ्री, होल स्क्वायर के बाद अगला स्टेप है क्रिटिकल पॉइंट. सोचो और दिमाग में आता है क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं. साइन एक्स के प्यारे प्यारे तीन क्रिटिकल पॉइंट हैं, जीरो पाई बाई टू, वैसे भी देखो खत्म बात है, वन जीरो और माइनस वन, राइट है. तो यूजिंग क्रिटिकल पॉइंट स्टेप थ्री, तीसरा स्टेप है यूजिंग क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या बताया मैंने आपको, हाँ, तो ये अपना आंसर हो जाएगा वाई इजिकल टू में क्या क्या सोचना. जब मैं ले रहा हूं साइन एक्स इजिकल टू कितना वन, तो अपना पॉइंट हो जाएगा माइनस टू, यहां पे साइन एक्स की जगह वन रखा, वन माइनस थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर माइनस सत्रह बटा सोलह. इसको चेक कर लूंगा जो भी आएगा. दूसरा साइन एक्स बराबर कितना रखूंगा, जीरो, तो वाई इजिकल टू आ जाएगा माइनस टू, साइन एक्स की जगह जीरो, जीरो माइनस थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर माइनस सत्रह बटा सोलह. तीसरा स्टेप साइन एक्स इजिकल टू कितना रख के देखूंगा, माइनस वन, वन जीरो फिर माइनस वन, तो वाई इजिकल टू हो जाएगा माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस वन माइनस थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर माइनस सत्रह बटा सोलह. इन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम, और जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमम, और इस तरह मेरी रेंज निकल जाएगी. ये कंपैरेटिवली डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे के प्राण यही उलझ जाते हैं होल स्क्वायर कैसे बना रहे, रेडे. इसीलिए बहुत कम चांस होते हैं कि इलेवंथ में ये पूछा जाए, लेकिन फिर भी ध्यान से सुन लेना है ना, बहुत ध्यान से. अब मेरे को पता है आपके जहां प्राण उलझे उसके लिए मैं आपके सामने सिर्फ इतना कर सकता हूं, चार एग्जाम्पल देखिए, इसके सिवा मैं कोई मदद नहीं करता. ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थर्टीन होल स्क्वायर बना रहा हूं, मन से कांस्टेंट को भगा दिया, भाग जा तेरा, भाग जा भाग जा भाग जा भाग, भाग गया. एक्स के कॉफिशियंट, एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट कितना वन, उसके बगैर गाड़ी चलेगी नहीं. ओपन ने वहां से साइन एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट वन किया था, याद है, टू कॉमन लेकर के, फिर साइन एक्स के एक्स स्क्वायर के बाद एक्स के कॉफिशियंट पर नजर डालो, तेरा भाग गया है, एक्स का कॉफिशियंट चार, चार है ना, माने चार है, चार है, चार एक ही बात, चार का आधा दो, तो तुरंत लिख दो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर, और तेरा आ जा, बन गया. मान लीजिए दोबारा देखिएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस नौ, इसका होल स्क्वायर बनाना है, दो भैया बाहर आ जाओ पहले,
ताकि हम देख सकें एक्स स्क्वायर प्लस 7 बटा 2 एक्स प्लस 9 बटा 2 बेटा भाई एक्स स्क्वायर कोफिशियंट 1 हुआ एक्स का कोफिशियंट पे नजर डालो कितना 7/2 उसका आधा 7/4 तो यहां लिख दूंगा एक्स प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस ये 9/2 आ जा राइट है भाई दोबारा से देखें अगर बाय द वे इसको समझ में आ गया तो तीसरा गजब का खेल है 3x माइनस एक्स स्क्वायर मान लो इतना ही लिखा है कांस्टेंट है ही नहीं वो तो वैसे भी हम भगाते हैं सीधा x का कोफिशियंट ना कुछ कॉमन मत लो आप तो डायरेक्ट खेलना सीखो x का कोफिशियंट 3 उसका आधा तो डायरेक्ट लिख दो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर उल्टा लिख दो ना माइनस क्यों कॉमन लेते हो अरे माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं दोबारा सोचो चलो इधर दोबारा देखना मान लो लिखा होता 3x माइनस 2x स्क्वायर बोलो कितना क्या करते पहला काम इसका कोफिशियंट पहले इसका तो 1 करना जरूरी है तो 2 कॉमन ले लो 3/2 x माइनस x स्क्वायर देखा नजर किस पे रखो x स्क्वायर पे क्या x पे उसका कोफिशियंट उसका आधा तो यहां लिख देता हूं 2 * में 3/4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर कर दो बस इसके जवाब कोई एग्जांपल नहीं रखता बस यही एग्जांपल है समझ में आने वाले को इतने में आ जाता है आप तो सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन करके बता दें ठीक है होल स्क्वायर की जरूरत ही नहीं पड़े शायद आप तो डायरेक्ट ही बता दो भाई रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 3 प्लस cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर ही दे रहा था मैंने डायरेक्ट होल स्क्वायर ही दे दिया नाउ चेक इट हाँ भाई सबसे पहली बात तो ये तो डायरेक्ट होल स्क्वायर ही है अगर ये डायरेक्ट होल स्क्वायर है ना हाँ भाई कभी अगर बाय द वे सीधा देखा जाए तो ये होल स्क्वायर ही है होल स्क्वायर ऑलरेडी ठीक है तो डायरेक्ट यूजिंग क्रिटिकल पॉइंट अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट का यूज करता हूं तो मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू मैं 3 प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर एक बार cos x की जगह 1 डाला एक बार लिखूंगा y इज इक्वल टू 3 प्लस cos x की जगह 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर और एक बार डालूंगा y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर और अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे पता है 3 की जगह 3 और ये हो जाएगा 1 1 का स्क्वायर की बात करूंगा ना हाँ भाई अगर मैं 1 के स्क्वायर को जानता हूं तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बोले तो 4 यहां पे देखा जाए तो 3 प्लस 2 का स्क्वायर बोले तो 4 बोले तो 7 और यहां अगर देखा जाए तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 तो दैट इज 12 तो बताइए ये कैसा आया और ये कैसा आया तो आई कैन से रेंज इज 4 टू 12 आई गानी पकड़ में ऐसा डायरेक्ट यूजिंग क्रिटिकल पॉइंट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ठीक है भाई अब आपका चांस चढ़ा अगला क्वेश्चन फटाफट से बताएंगे आप रेंज ऑफ y इज इक्वल टू में दे रखा है cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x प्लस 13 राइट है भाई क्या आपको दिखा क्वाड्रेटिक है तो इसे होल स्क्वायर बनाए सही है ना भाई डायरेक्ट पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन मेकिंग होल स्क्वायर आप होल स्क्वायर बनाओ आप मैंने आपको सिखाया अभी भी होल स्क्वायर बनाना बिल्कुल देखते हैं अभी हाँ भाई करो बात y इज इक्वल टू में जरा इस पे बात करते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा किसी ने cos x की जगह x लिख दिया हो तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 और मैंने बताया था सबसे पहले मान से किसे निकालो 13 को तो ये 13 भाग जा फिर x का कोफिशियंट 4 तो उसका आधा 2 तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 13
राइट है भाई, इसको अगर कोई भी ढंग से लिखेगा तो इट इज कॉस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 9 माइनस 4 दैट इज 5 और सॉरी 13 माइनस 4 दैट इज 9 हाँ दैट इज 9। अब ये मेरे पास होल स्क्वायर आ गया। अब नाउ यूजिंग क्रिटिकल पॉइंट, अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात करता हूं तो y इज इक्वल टू मैं 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, y इज इक्वल टू मैं 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 और y इज इक्वल टू मैं माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। ये तीन तो बातें करेंगे तो इट इज 9 प्लस 4 दैट इज 13, इट इज 9 प्लस 1 दैट इज 10, इट इज 9 प्लस 9 18। तो दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम, तो दैट इज रेंज इज इक्वल टू कितना 10 टू 18 राइट है, यूजिंग क्रिटिकल पॉइंट और होल स्क्वायर मेथड। बात समझ में आ रही है अब आपको? तो कल को अगर क्वाड्रेटिक भी दे रखी है तो अपने फड़फड़ाएंगे नहीं, क्वेश्चन को बहुत इजीली डील कर करके निकल जाएंगे राइट है भाई। हाँ भाई अगला, जैसे मान लीजिए किसी ने दे रखा है y इज इक्वल टू मैं 9 माइनस 2 टेन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट है भाई। अब यहां पे भी ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। मिनिमम वैल्यू ऑफ, बहुत ध्यान से पॉइंट पकड़ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। किसी भी होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है कब? इफ फंक्शन इनसाइड कैन बिकम 0। अगर अंदर वाला फंक्शन 0 बनने को तैयार है तो 0 दे देगा होल स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए अंदर 2 टेन एक्स माइनस 1 लिखा है, ये इस पूरी कहानी का फंडा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझने का प्रयास करें। y इज इक्वल टू मैं 9, पहले मैं मिनिमम बता रहा हूं, ध्यान से समझना भाई, एक सेकंड बहुत ध्यान से समझना। अब ये मैं मिनिमम या मैक्सिमम बाद में चर्चा करेंगे, 9 माइनस में इसका मिनिमम दिखा रहा हूं, होल स्क्वायर का मिनिमम, ध्यान से समझना ठीक है। अगर मेरे से किसी ने कहा होल स्क्वायर का मिनिमम होगा 0 या नहीं तो मैं चेक करता हूं, अंदर वाला जो लिखा है वो है 2 टेन एक्स माइनस 1, अगर ये 0 देने को तैयार है तो मैं हां भर दूंगा कि हां ये 0 हो जाएगा, मैं रख देता हूं 0, अभी पता चल जाएगा। इसको 0 रखते ही 10x की वैल्यू चमके 1 बाई 2, कितने चमके 1 बाई 2। क्या 10x कभी 1 बाई 2 दे सकता है? आपको पता है 10x कहां से की वैल्यू देता है? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, याद है 10x का ग्राफ ऐसा वाला, याद आया आपको? हाँ या ना, ऐसा ग्राफ ऐसा याद आया ना, तो ये नीचे कहां से कहां तक आता है और ऊपर, हाँ तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाने वाला, तो कहीं तो 1 बाई 2 देगा ना, अगर देगा तो 10x से जुगाड़ो 1 बाई 2 पॉसिबल है, हाँ या ना। और अगर ये पॉसिबल है तो ये 0 पॉसिबल है, और अगर ये 0 पॉसिबल है तो ये भी 0 पॉसिबल है, और अगर ये 0 पॉसिबल है तो y की वैल्यू 9 इज फिजिबल, बट आई डोंट नो वेदर दिस वैल्यू इज मैक्सिमम और मिनिमम। ये मैं जानता हूं कि होल स्क्वायर ने अपनी मिनिमम दी है, लेकिन आप सोचो कि जब भी होल स्क्वायर मिनिमम देगा तो एक तरह से नेगेटिव वाली पार्टी मिनिमम, जितना कम से कम घटेगा उतना ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आएगा, तो y मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना 9 राइट है। अच्छा, जबकि मिनिमम वैल्यू के लिए जितना माइनस वाला बड़े से बड़ा होगा उतना y छोटे से छोटा आएगा, तो y मिनिमम इज इक्वल टू 9 माइनस ये वाला मैक्सिमम, राइट है भाई। लेकिन अंदर लिखा है टो 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और आप जानते हो 10x का टॉप वैल्यू इन्फाइनाइट, यस 10x इन्फाइनाइट दे सकता है, इससे ज्यादा क्या देगा वो, ठीक है। तो जिस दिन अपने इसने अस्त्र उठा दिए इन्फाइनाइट दे डालेगा, तो आंसर वेल पे माइनस इन्फिनिटी। सो रेंज इज कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी टू 9। कहानी पकड़ भाई? Yes, तो होल स्क्वायर का जीरो होना कब कब डिपेंड करता है, ठीक है, जब अंदर वाला जीरो दे डाले। हाँ भाई, अगला टाइटल है यूज ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शंस, यूज ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन।
करूँ जा बात इस पे, है ना भाई। अरे हमारे बीच में कई ऐसे ट्रिगो फंक्शन भी तो हैं जो एक दूसरे के उल्टे हैं, लाइक टेन कॉट, हाँ या ना, टेन थीटा कॉट थीटा, और कौन सा, कॉस थीटा सेक थीटा, याद आया आपको, और कौन सा है, साइन थीटा कॉस सेक थीटा, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ना, और उल्टा आ जाए तो समझ लेना लॉटरी लग गई। कैसे लग गए लॉटरी? क्वेश्चन में किसी ने कहा कि रेंज बताइए साहब, रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू में ए ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मान लो किसी ने ऐसा कह दिया, अगर कल को किसी ने ये कह दिया ना, तो आपको बस इतना सा समझना है कि जैसे ही एक दूसरे के उल्टे होंगे ना, तो आप इसको लिख सकते हो ए टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी ये कॉट, हाँ बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब जानबूझ करके टू इंटू इन दोनों के प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ, ए बी, याद है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी, टू ए बी से जोड़ो और टू ए बी घटा दो। और जैसे आप ऐसा करोगे, आपको पता नहीं है लेकिन आपके हाथ में खजाना लग गया, ये बन गया ए टेन थीटा प्लस बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, क्या कहते हो। और ये है वाई, अगर कल को किसी ने वाई का मिनिमम पूछा तो आपको पता है आप होल स्क्वायर में से कुछ घटा रहे हो, और होल स्क्वायर का मिनिमम जब होगा तो ये कम से कम में से भी कुछ घटा डाला तो और कम, नहीं आई कहानी पकड़ में, तो इसका मतलब ये मिनिमम माइनस टू ए बी इसका पूरे का मिनिमम दे देगा, और मैक्सिमम कब होगा, जब ये होल स्क्वायर मैक्सिमम देगा, जब ये टॉप देगा तो उसमें से कुछ घट भी गया तो भी कोई फर्क नहीं। तो आपको पता होगा ये वाई मैक्सिमम तब होगा जब होल स्क्वायर बी मैक्सिमम हो, माइनस टू ए बी होता रहे। तो आप एक बात बताओ, किसी भी होल स्क्वायर का मिनिमम हो सकता है कब, जब अंदर वाला जीरो दे दे, हाँ या ना। अब सुनना जरा, ये ए टेन थीटा प्लस बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर मिनिमम तब होगा, जीरो तब होगा जब, सुना, जीरो कब होगा, देखो मैं लिख सकता हूं, किसी ए टेन थीटा प्लस बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, अगर a tan थीटा प्लस b cot थीटा बराबर कितना हो जाए, जीरो हो जाए, सही है ना। अगर अंदर वाला फंक्शन जीरो तो होल स्क्वायर जीरो दे देता है, तो मैंने इसको सामने जीरो बैठाया, अगर कुछ ऊट पटंग वैल्यू है तो मना कर देंगे, और कोई बाजी वैल्यू है तो हां मर देंगे। सबको पता है a tan थीटा बराबर में माइनस का b cot थीटा हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप ये मानते हो कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस बी बाई ए हो गया, कैसे कैसे, ये वन अपॉन टेन, टेन की उधर गुणा टेन स्क्वायर और ए उधर खसक लिया, हाँ या ना, और टेन थीटा बराबर में कितना, माइनस बी बाई ए का रूट, क्या कहते हो आप, क्या अंडर रूट में माइनस बी बाई ए फिजिबल है क्या, हाँ या ना, पहले बताओ हाँ या ना, ना, अगर आपके हिसाब से ना है तो ये जीरो नहीं देगा, क्योंकि अंदर वाला जीरो नहीं बनना ना भाई, अगर अंदर वाला जीरो नहीं बनना तो होल स्क्वायर भी जीरो नहीं देगा। अब जरा क्वेश्चन में आओ, आपके हाँ या ना को थोड़ा चेक कर लेते हैं, रेडी। मान लो कल को किसी ने क्वेश्चन में दे डाला कि y इज इक्वल टू में फोर टेन स्क्वायर थीटा माइनस में नाइन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस थ्री, आप में से इस थ्री को भी हटा देता हूं, कितने लोगों को दिख रहा है, ए की जगह टू, ए की जगह टू, बी की जगह थ्री, तो आपको ये दिख रहा है क्या, बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना कि ए टेन थीटा और सॉरी टू टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस थ्री कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्या आगे कुछ जा सकता है क्या, कितना जोड़ो, प्लस टू ए बी, बोलो कितना, सुनना है ना मेरे को, हाँ अटका क्या, क्या अटका, अरे पहले एक बात दो, आगे टू ए बी लिखूं कि नहीं लिखूं, क्यों नहीं लिखूं, इसलिए कि होल स्क्वायर बनेगा ही नहीं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना था, ये तो माइनस का बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, अरे होल स्क्वायर का, होल स्क्वायर कैसे बनाओगे, वो तो फैक्टराइज करने के फॉर्मूले बता रहे हो, नहीं है कहानी पकड़ में। स्टोरी क्या है कि जब तक मैं यही चेक करा रहा हूं कि कल को आप में से कोई आ जाए, नहीं सर ए की जगह ये और बी की जगह वो होता है तो हो सकता है, नहीं साहब फिजिबिलिटी जीरो है,
कहानी यहां तक पकड़ में आ गई। एक क्वेश्चन भी है मेरे पास, मैं जरा थोड़ा सा एक क्वेश्चन के ऊपर से होकर के निकलते हैं। हाँ, अरे ये तो पूछे ही नहीं, इसका क्या होगा? इसका तो ये होगा कि आप थोड़ी सी देर के लिए पीछे आओगे, बैक 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 बैक। सर एक काम करो कि एक काम करो, माइनस टू ए बी इधर, प्लस का टू ए बी उधर कर दो। आप में से कितने लोगों का दिख गया? हो गया माइनस बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्या ख्याल है? अब बताओ अंदर वाला फंक्शन जीरो बन सकता है क्या? क्योंकि ये माइनस हो गया, ये माइनस होते ही ये माइनस हो गया, हाँ या ना? और ये माइनस होते ही ये प्लस हो गया, और ये प्लस हो गया, ये प्लस चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, याद है? अब होल स्क्वायर जीरो दे सकता है, तो कहने वाला जीरो माइनस ओ ओ ओ माइनस नहीं प्लस, जीरो प्लस टू ए बी कितना होता है? टू ए बी। तो मिनिमम वैल्यू टू ए बी, और टॉप वैल्यू क्यों इन्फाइनेट? क्यों? क्योंकि टेन थीटा टॉप वैल्यू इन्फाइनेट दे सकता है, कॉट थीटा भी टॉप वैल्यू, बिल्कुल, इसीलिए टॉप वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा प्लस बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मैक्सिमम प्लस टू ए बी इज इक्वल टू इन्फाइनेट प्लस टू ए बी और इन्फाइनेट। हेंस रेंज कहां से कहां तक? रेंज निकले टू ए बी टू इन्फाइनेट, क्या ख्याल है? है ना भाई, कर लेंगे? हाँ भाई, वो तो मेरे दिमाग से निकल गया कि क्वेश्चन तो कराया ही नहीं। हाँ भाई, होल स्क्वायर के अंदर जान है, एट एंड डेटा, हाँ ओके, चेंज इट। अब आपके लिए होल स्क्वायर बनाने के बहुत सारे मसाले हैं, आप मेरे को बताने वाले हो, जल्दी से रेंज बताने वाले हो किसके? रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू में ए स्क्वायर, ना ना ए स्क्वायर बहुत हो गया, चार साइन स्क्वायर थीटा प्लस नाइन कॉसेक स्क्वायर थीटा, डू इट। देखो क्या जोड़ोगे क्या घटाओगे, टू ए बी, टू ए बी कितना होगा? ए और बी तो पकड़ लोगे ना आप, करो 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 एनीवे। दीपक बात समझ में आ गई? अमृता y इज इक्वल टू ए की वैल्यू बोलो, b की वैल्यू बोलो, थ्री। तो आपको टू इंटू थ्री, टू ए बी से जोड़ना, टू ए बी घटाना, तो लिख लें फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस नाइन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू थ्री माइनस टू इंटू, उल्टा करते हैं, माइनस पहले प्लस बाद में, टू इंटू थ्री माने टू ए बी जोड़ा, टू ए बी घटाया और इतनी दूर तक डब्बा बना दिया। अब नाउ इट बिकम्स टू साइन थीटा माइनस थ्री कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कितना? ट्वेल्व। ये क्या बन गया आपका? वाई, सही है? पूरी कहानी में ये देख लेना चुपचाप कोने में जाकर के, सही रहता है कि होल स्क्वायर कल को जीरो ना दे और अपन बेइज्जती हो जाए, बैठे। तो हम देख लेते हैं कि होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो देगा या नहीं देगा, होल स्क्वायर जीरो इक्वल टू जीरो देगा या नहीं, राइट है? चेक करने के लिए आपने क्या किया, टू साइन थीटा माइनस थ्री कॉसेक थीटा को अपने तरफ से जीरो लगा दिया और टू साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री कॉसेक थीटा हो गया। जानकार बच्चा जानता कॉसेक माने वन अपॉन साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री बाई टू, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई टू, जो कि फिजिबल है, हाँ या ना? अरे पॉसिबल है, एक से छोटा है ना, हाँ या ना? अरे साइन थीटा अगर कल को एक से बड़ा होता था तो फड़फड़ा उठता, हाँ या ना? तो ये तो फिजिबल है, इसका मतलब ये अगर फिजिबल है तो इसका मतलब इसका जीरो होना भी फिजिबल है। तो वाई जिस दिन ये जीरो होगा, जीरो में से कुछ जुड़ेगा, इससे नीचे दे ही नहीं सकता, ये अपना मिनिमम में दोबारा जोड़ेगा वो मिनिमम होगा। तो वाई मिनिमम इज इक्वल टू होल स्क्वायर का मिनिमम प्लस ट्वेल्व, दैट इज जीरो प्लस ट्वेल्व और ट्वेल्व, और वाई का मैक्सिमम काय को इन्फाइनाइट क्यों बोल रहे हो आप बताओ? अरे बोलो, क्या इनमें से कोई इन्फाइनाइट दे सकता है क्या? कॉसेक दे सकता है, जिस दिन वो इन्फाइनाइट देगा प्यार से इन्फाइनाइट लगेगा, तो आंसर वेल भाई
इनफाइनाइट। हालांकि आपकी सोच पूरी नहीं थी, आप सही सोच रहे थे कि वन और दे सकता है, लेकिन ये इनफाइनाइट दे सकता है। लेकिन माइनस इनफाइनाइट कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं स्क्वायर है ना। हाँ तो अगर देखा था तो रेंज कहां से कहां तक निकले, रेंज निकले 12 to infinite, सही है ना। मिसलेनियस मिसलेनियस है ना भाई, मिसलेनियस में आप अगड़म बगड़म कैसे भी भाग सकते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है ना। उनमें से पहला एग्जांपल है, ले लें, उम्मीद है आप तैयार हैं, क्वेश्चन की तरफ देख लें, है ना भाई। जैसे सपोज कीजिए किसी ने क्वेश्चन में पूछा रेंज ऑफ वाई इक्वल टू में साइन 3x अपॉन एक्स साइन एक्स, ये हमारे पीछे के किसी भी कहानी से नहीं मिलता जुलता, ना तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, ना आर्ग्यूमेंट बदल के कि किसी का होल स्क्वायर बना लो, किसी तरह की कहानी से नहीं मिलता हुआ। तो सबसे बढ़िया है ऐसे क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करने के लिए पहले से तोड़ दो। साइन 3x कहता है मेरी वैल्यू होती है 34 नंबर की, बस याद आया, अपॉन में नीचे कितना साइन एक्स, याद आया। तो वाई इज इक्वल टू बच्चा मात्र 3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स, हाँ या ना, क्या ख्याल है आपका। अब एक बात जल्दी से सोचो कि क्या आप इनमें से किसी की भी रेंज जानते हो, जब सॉल्व कर लिया थिंक अबाउट द रेंज। 3 क्या तो कुछ हो नहीं सकता कॉन्स्टेंट, 4 का कुछ नहीं पता, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स की रेंज पता है। साइन स्क्वायर एक्स की रेंज किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0, किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू और टॉप वैल्यू साइन स्क्वायर की 1, तो रेंज है 0 to 1, राइट है ना भाई। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि आप कह दो कि साइन स्क्वायर एक्स विल रन फ्रॉम 0 to 1, तो -4 साइन स्क्वायर एक्स विल रन फ्रॉम, बोलो, अगर मैं -4 से गुणा कर दू तो -4 के अंदर भी गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा 0, -4, उल्टा पढ़ेंगे, दैट्स अनदर थिंग। आगे देखो 3 जोड़ा है इसने, 3 इसके आगे जोड़ा, हम भी जोड़ दें क्या, अगर मैंने 3 जोड़ दिया तो 3 जोड़ते ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 3, तो रेंज 3 - 4 साइन स्क्वायर एक्स की -1 to 3, तो y बिलोंग्स टू -1 to 3, दैट इज आंसर। लेकिन सुनो एक और बात, इसको कुछ लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, मेथड 2 भी सुनना। क्या आप ये बात मानने के लिए तैयार है कि 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 - y, अरे इसको उधर उचका दिया, इसको उधर उचका दिया, क्या आप ये भी मानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4 3 - y/4, सीधा, हाँ या ना। अब नाउ यू नो कि साइन स्क्वायर एक्स भैया विल रन फ्रॉम 0 to 1, इसका मतलब 3 - y/4 भैया ऑल्सो रन फ्रॉम 0 to 1, आपको वही तक जाना है, एक एक कांटा हटाना है। पहला कांटा 4, 4 हटाने के लिए 4 से गुणा कर दो, 4 की तीनों से गुणा, 0 के असर नहीं हुआ, 3 - y और इधर कितना हो गया 4। अगला कांटा आगे का 3, 3 हटाने के लिए 3 घटाओ, घटा दो, अगर मैंने 3 घटाया तो 3 घटाते ही या तो रहेगा -3, यहां से 3 - 3 0, बचेगा -y और इधर कितना 1, नहीं आई समझ में, अरे 3 घटा दिया हर किसी में, है ना। अगला कांटा कौन, -y की y से गुणा कर दो, ध्यान से सुनना, y की अगर मैंने -1 से गुणा करे तो सारे साइन बदल जाएंगे, -y विल बिकम y, ये बन जाएगा -1 एंड इट बिकम्स 3, तो y बिलोंग्स टू -1 to 3, क्या वही आंसर आया। वो अलग स्टोरी, पहले यहां तक तो बात खत्म करने दे, उसके बाद ही तो चलूंगा, है ना। अब इसकी बात भी सुनो, कहानी की शुरुआत में एक लफड़ा क्या है, पहले यहां तक रेंज समझ में आ गए, हाँ। अब इसके बाद में ओपन और क्लोज को देखने के लिए ये चेक कर लो कि साइनेस के तकलीफ कब कब हो सकती है। हमारे को पता है शुरू की कंडीशन में साइनेक्स कैन नॉट बी 0, नीचे अगर साइनेक्स ने 0 दे डाला तो रॉकेट बन जाएगा ये, इन्फिनिट लगेगा, हाँ है ना, सही है ना। तो इसका मतलब साइनेक्स को 0 रोको। अब चेक कर लो साइनेक्स 0 पे क्या दे रहा था, साइनेक्स 0 होता
तो क्या क्या लफड़ा कर सकता था? साइन एक्स का जीरो कब कब हो सकता है पहले चेक करो, साइन एक्स जीरो कब कब हो सकता है? एन पाई पे। अच्छा, एन पाई पे कैसे चेक करेंगे हम? देखो जरा, इसका मतलब मैं साइन स्क्वायर एक्स का जीरो, अरे सोचो ना, साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक जा रहा है? जीरो टू वन। जब साइन एक्स ही जीरो नहीं होगा तो साइन स्क्वायर एक्स भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब यहां जीरो पर ओपन चलेगा, नहीं आया समझ में? और यहां अगर ओपन चलेगा तो यहां भी ओपन, यहां भी ओपन। अरे उल्टे साइड तो नहीं कर दिया रे, जीरो वाला कौन था? अरे उधर ओपन, उधर ओपन, तीन जोड़ा ना, जीरो में तीन जोड़ा, हाँ है ना, और उधर ओपन तो तीन पे ओपन। यहां से डंडिया डालो, हटालो 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 हटालो, और ये हटालो, और उधर कहानी पकड़ में आई? सिंपल है, ठीक है, यहां तक में कोई तकलीफ नहीं? अभी एक मिनट, अगर कुछ बच गया हो तो खत्म करके नक्की कर दू, रेंज तो कम से कम टाटा होता है, फिर जरा सा कुछ रह जाए तो रह जाएगा, बाकी कुछ ज्यादा कुछ, हाँ है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन, एक मिनट लगेगा, मात्र इतना सा प्रश्न है। रेंज ऑफ, आप वो तो कॉपी कर ले दो, मेरे को पता है बहुत जल्दी, वन प्लस कॉस एक्स प्लस एट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे दे रखा है साइन टू एक्स, है ना, यही पूछा ना, कॉपी कर रहे हैं क्या आप? अच्छा हाँ भाई, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो y इज इक्वल टू में वन प्लस कॉस एक्स, तैयार है? वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस टू एक्स, यही तो मैं बार बार देख रहा हूं, टू एक्स है और मैं देख करके भी अनजान हो गया, वन प्लस कॉस टू एक्स, ठीक है, हाँ काफी दूर निकल गया तुम लोग। एट साइन स्क्वायर एक्स ऐसा लिखा, आसान कर रहा हूं, साइन टू एक्स दो हिस्सों में कर दिया, क्यों कर दिया? अभी आपको एकदम समझ में आ जाएगा, हाँ समझदारी, बहुत बड़ी समझदारी, जिनको पता है वो जानते हैं ये टू कॉस स्क्वायर एक्स, टू कॉस स्क्वायर एक्स, वन प्लस कॉस टू एक्स, टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में नीचे कितना, साइन टू एक्स, टू एक्स है ना ये, साइन टू एक्स का मतलब टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कहानी पकड़ में आ गई? एट साइन स्क्वायर एक्स की जगह एट साइन स्क्वायर एक्स, और साइन टू एक्स ने फिर अपनी गतिविधियां दिखा दे, कितना टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या ख्याल है? ये ब्रैकेट और ये बन गया वाई, सबको पता है टू टू सड़सठ, कॉस सड़सठ और साइन सड़सठ, और ये बन गया वाई इज इक्वल टू कॉटेक्स, राइट है भाई, और प्लस में फोर कितना, टेन एक्स, क्या ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है? हाँ या ना, कोई बताएगा ए की वैल्यू और बी की वैल्यू? हाँ इसकी वैल्यू कैसे निकालू, क्या जोड़ू क्या घटाऊ, क्या जोड़ो क्या घटाऊ, सोचना, सोचो, टू इंटू वन इंटू फोर, टू कर दो, एक बार तुक्का मार के देखते हैं, आपका यही तो कहना है ना, सोचेंगे क्या आप इसे अंडरूट कॉटेक्स माइनस टू टेन एक्स का होल स्क्वायर कहना, टू रूट टेन एक्स का होल स्क्वायर कहना पसंद कर लेंगे क्या, और प्लस फोर, सोचे अगर मैं स्क्वायरिंग बोलता हूं तो ये बन गया, इसके स्क्वायरिंग बोलता हूं ये बन गया, माइनस में टू इंटू टू इंटू इन दोनों की गुणा वन, मेरे को पता है आपका दिमाग अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर की गुणा करने से भी चला गया, खोल लेते हो ना, ये बना और ये बना, बना के नहीं बना, यहां तक की चीजें उड़ा दी मैंने, और प्लस के अंदर फोर, क्या ख्याल है? अब ये बन गया वाई, बना के नहीं बना, अब किसी का मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम इनफाइनाइट, राइट है भाई, इसका मिनिमम, मिनिमम जीरो दे सकता है क्या, सोचोगे ना, हाँ, अब लेकिन एक सेकंड, इसके बीच में समस्या आ सकती है, कब कब, जब जब भी साइन टू एक्स अंडा दे दे, साइन टू एक्स कब कब जीरो देता है बताएंगा आप लोग, साइन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या नहीं होनी चाहिए, एक तो एन पाई नहीं होनी चाहिए और एक ऑड पाई नहीं होनी चाहिए, ऑड पाई बाई टू, सॉरी नहीं आया, अच्छा एक जल्दी से बात बताओ, अगर बाय द वे
अरे ऑड पाई बाय टू, सीधी बात करो ना। हाँ मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, आप चिंता मत करो। ठीक है, अब आपने एन पाई और वगैरह सब रोक दिया, आप सोचो किसका स्क्वायर जीरो कब होगा। इसका स्क्वायर जीरो तब होगा जब अंडरोट कॉटेक्स बराबर में टोरोट टेन एक्स होगा और टेन एक्स बराबर वन बाई टू होगा। सोच लिया, और टेन एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, इनमें से किसी पे लफड़ा क्रिएट नहीं करेगा, बहुत प्यार से कहीं बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये कि मिनिमम वैल्यू तो हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जीरो प्लस फोर, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट कब कब होगी सोचो, इन्फाइनाइट फंस गया बेचारा। इन्फाइनाइट होगा या तो एन पाई, एन पाई माने पाई, बहुत एन वैन के चक्रों में उलझा कर पाई समझो, कॉट पाई जीरो होता है ना, कॉट पाई इन्फाइनाइट होता है। हाँ या ना, आपने अगर बाय द वे पाई रोक दिया बेचारे का इन्फाइनाइट हो गया, नहीं ये कहानी पकड़ में। अगर आपने पाई बाय टू रोक दिया, टेन ने इन्फाइनाइट देना बंद कर दिया, माने दोनों फैक्टर में इन्फाइनाइट नहीं आया, प्रॉपर इन्फाइनाइट नहीं आया, लेकिन ऑलमोस्ट इन्फाइनाइट आ गया, ऑलमोस्ट वाला। भाई पाई बाय टू से जरा सा भी छोटा हुआ तो ऑलमोस्ट तो दे ही देगा, पाई बाय टू तो रोका आपने, उससे पहले तो थोड़ी रोक दिया, तो इन्फाइनाइट के जस्ट बाजू वाला भी तो इन्फाइनाइट होगा। अरे भैया 100 माले की बिल्डिंग में अगर एक माला कम कर दोगे तो भी है तो बहुत ऊंची। हाँ या ना, तो ऑलमोस्ट इन्फाइनाइट आप कह सकते हो, हालांकि यू कैन नॉट टेक दीज टू वैल्यूज, सो द रेंज विल बी 4 टू इन्फाइनाइट। है ना भाई, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ। थोड़ा एक बार घर पे जाकर के सेल्फ डिस्कशन करना, एक्सरसाइज 3-4 आप कर रहे हो धड़ाधड़। क्या नहीं लिया ना मैंने? अरे अगर कल को साइन जीरो लेता नीचे जीरो होता ना, यहाँ जीरो होते इन्फाइनाइट दे देगा, तो नीचे जीरो मैं कहीं नहीं ले सकता डिवाइड में।